नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दीपेश गुरु में। जैसे कि आप सभी को पता था कि मुख्यमंत्री जनसेवा मित्र का बेस्ट टू जल्दी प्रारंभ होने वाला है, तो आप सभी के लिए खुशखबरी है कि मुख्यमंत्री जनसेवा मित्र का दूसरा बेस्ट प्रारंभ हो चुका है, जो कि 2 जुलाई 2023 यानी कि आज से लेकर 10 तारीख तक चलेगा। तो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आ चुका है, तो चलिए चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ। और आज शाम तक आपको एक और वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें फुल रजिस्ट्रेशन की फुल प्रोसेस आपको बताई जाएगी कि स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से करना है। जैसे कि पिछली बार आपको जनसेवा मित्र बनने में सपोर्ट किया गया था, उसी तरह इस बार भी आपको सपोर्ट किया जाएगा। बस आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करें, ताकि आप सभी को वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। मुख्यमंत्री युवा इंटर्नशिप योजना बेस्ट टू हर विकासखंड में 15 इंटर्न और प्रदेश में कुल 4695 इंटर का चयन। पिछले 2 वर्षों में स्नातक होना चाहिए, स्नातक या स्नातकोत्तर उत्तीर्ण होना चाहिए। 18 से 29 वर्ष की आयु के युवा आवेदन कर सकते हैं। प्रतिमाह 8,000 रुपये का स्टाइपेंड आपको दिया जाएगा। आवेदन की प्रक्रिया 2 जुलाई 2023 से प्रारंभ। मुख्यमंत्री जनसेवा मित्र बनने के लिए आवेदन करें। तो हम आ चुके ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ। आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप आवेदन बगैर वीडियो देखे मत भरिएगा। जैसे कि पिछली बार आपने कुछ गलत इन्फॉर्मेशन भर दी थी और आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो इस बार हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे किस प्रकार से आवेदन भरना है, क्योंकि आज ही आवेदन स्टार्ट हुए हैं, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है क्योंकि 10 तारीख तक ही आवेदन चलेंगे। तो हम आ चुके हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ। यहाँ पर आप देख सकते हैं अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्था भोपाल। मुख्यमंत्री युवा इंटर्नशिप फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत द्वितीय चरण अगस्त 2023 जनवरी 2024 के अंतर्गत के इंटर्न्स के रूप में नियुक्ति हेतु, जैसे कि आपको बताया कि आवेदन भरने की प्रारंभिक तिथि आज है यानी कि 2 जुलाई 2023 और अंतिम तिथि 10 जुलाई 2023, मतलब आपको पूरे 9 दिन का टाइम दिया जा रहा है। यहाँ पर मुख्यमंत्री यूथ इंटर्न फॉर डेवलपमेंट प्रोग्राम MYIPDP की मूल जानकारी। मुख्यमंत्री यूथ इंटर्न फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम मध्य प्रदेश की एक पहल है। इंटर्नशिप अवधि में यात्रा करना अनिवार्य होगा, अतः आवेदक का शारीरिक रूप से स्वस्थ होना यहां पर जरूरी है। चयनित इंटर्न को मुख्यमंत्री जनसेवा मित्र कहा जाएगा। इंटर्न को स्टाइपेंड अर्जित करने तो अपने कौशल को सुधारने का अवसर मिलेगा। इंटर्न ने डोर टू डोर आउटरीच, सामुदायिक सर्वेक्षण से डेटा संग्रहण आदि की जानकारी गतिविधियों में संलग्न हो गए। रिक्तियां यहाँ पर कुल मध्य प्रदेश के टोटल 52 जिलों के सभी 313 विकास खंडों में 4695 युवाओं की भर्ती होना है। शैक्षणिक योग्यता की बात कर रहे थे तो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय अथवा संस्था से वर्ष 2021, 2022 और 2023 में 50 अंकों के साथ स्नातक या स्नातकोत्तर डिप्लोमा जरूरी है। और UGC द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी 2 वर्षीय पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा पाठ्यक्रम को स्नातकोत्तर उपाधि के समतुल्य माना जाएगा। आपको मानदेय जो दिया जाएगा वो 8,000 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा, जो कि निर्धारित दिया गया। आयु सीमा आपकी 1 जनवरी 2023 की स्थिति में 18 से 29 वर्ष होनी चाहिए। आवेदक हेनु दिशा निर्देश आपको यहाँ पर दिए गए हैं। आवेदन पत्र भरने से पहले सावधानी पूर्वक दिशा निर्देशों का अध्ययन कर ले। जैसे कि आपको बताया है कि आज शाम तक आपको एक वीडियो प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप आवेदन किस प्रकार से भरना है उसकी जानकारी दे दी जाएगी। आवेदन भरने की प्रक्रिया जानने के लिए AIGGP की वेबसाइट पर लिंक पर क्लिक करके आप प्राप्त कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की वेबसाइट भी यहाँ पर आपको दी गई है। वर्ष 2021, 2022, 2023 में आपको स्नातकोत्तर या स्नातक आपका कंप्लीट होना चाहिए। आवेदन पत्र में दी गई अर्हताएं संबंधित जानकारी असत्य पाए जाने पर आवेदक की उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर रद्द की जा सकेगी। उनका परीक्षा परिणाम आवेदन के अंतिम तिथि से घोषित ना हुआ हो वो इसमें सम्मिलित नहीं हो सकते हैं। मापदंड क्या रहेगा, किसी भी उम्मीदवार की ओर से अपनी उम्मीदवारी के लिए किन्हीं भी साधनों द्वारा समर्थन अभ्यास करने के किसी प्रयास को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा साक्षात्कार में उपस्थित होने के लिए निराहित माना जाएगा। ऐसे उम्मीदवार जो विधिक रूप से किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए हैं, उनके विरुद्ध किसी भी आपराधिक मामले में कोर्ट में मामला लंबित होकर आवेदन नहीं कर सकते। फर्जी दस्तावेज भी इसमें नहीं चलेंगे। ऐसे उम्मीदवार जो पूर्व में 1 फरवरी 2023 से प्रारंभ हुए मुख्यमंत्री यूथ इंटर्न फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम में इंटर्न के रूप में चयनित हुए हैं, परंतु उन्होंने आधी अवधि में ही इंटर्न छोड़ दिया है या संस्था द्वारा हटा दिए गए, उन्हें अपात्र माना जाएगा। दस्तावेज का परीक्षण आवेदन के अहर्ता संबंधी दस्तावेजों का सत्यापन साक्षात्कार के मूल रूप में किया जाएगा।
चयन की प्रक्रिया रहेगी। साक्षात्कार उपरांत पहले आपका साक्षात्कार होगा, उसके उपरांत अंतिम मेरिट लिस्ट के आधार पर इंटर्न का चयन यहाँ पर किया जाएगा। यदि साक्षात्कार के पश्चात एक से अधिक उम्मीदवारों को अधिक मेरिट में अंक प्राप्त होते हैं तो उनकी प्राथमिकता निम्न अनुसार तय की दी जाएगी। तो यहाँ पर ये दोस्तों दिशा निर्देश आपको दिए गए हैं, ये PDF आपको व्हाट्सएप पर प्राप्त हो जाएगी। व्हाट्सएप को ज्वाइन करने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। फिर से आपको बता दूं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करें ताकि आप सभी को वीडियो के नोटिफिकेशन से जल्दी प्राप्त हो सके। और दोस्तों वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि जो भी भाई बहन है इसमें आवेदन करना चाहते हैं वो इसमें कर सके। तो मिलेंगे आज शाम से पहले, आपको जैसे कि बताया कि वीडियो प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर ले। धन्यवाद।